तेज रफ्तार से दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ी हुई है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी राउंड। अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या वासियों और श्रीराम एयरपोर्ट और विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी 30 दिसंबर को श्रीराम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान अयोध्या से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी दिखा सकते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर राम भक्त नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर हलचल तेज है। इस बीच खबर है कि पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय काशी दौरे के दौरान काशी को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने वाले हैं, जिसको लेकर रेलवे सभिदित तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से काशी के बीच चलेगी। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान 17 दिसंबर को नमो घाट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, 18 दिसंबर को काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और बरकी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, देश की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात भी काशी को मिली थी। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे के दौरान जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने खुद गोरखपुर नाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए फरियादियों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं के संतोषजनक समाधान के निर्देश दिए। जनता दर्शन में आए करीब 200 लोगों से सीएम योगी ने मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और किसी को कोई अन्याय नहीं होगा। 24 दिसंबर को काशी में प्रस्तावित बिहार के सीएम नीतीश कुमार की रैली के रद्द हो जाने पर सियासत तेज है। जेडीयू ने कहा है कि यूपी सरकार ने जानबूझकर सीएम नीतीश कुमार की रैली को रद्द करने की साजिश रची है। जिस कॉलेज में हमें जनसभा करनी थी, वहां के प्रबंधकों को धमकाया गया, उन्हें उनके कॉलेज की मान्यताएं रद्द करने की भी धमकी दी गई। तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि उनकी बात यहाँ सुनने कौन आएगा, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कहना चाहते हैं। नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो पीएम बनना चाहते हैं। दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां खबर है कि इस बैठक में विपक्षी दल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में बीजेपी को हराएंगे फिर ईवीएम हटाएंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि एमपी के सीएम मोहन यादव पर भी टिप्पणी कर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 2024 तक सीएम रहेंगे। मामा ने चुनाव जिताया था पर अब मामा बहुत दुखी हैं। हालिया विधानसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद भी इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ नजर आया है। बहराइच दौरे के दौरान ओपी राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और INDI गठबंधन में शामिल दलों को निशाने पर लिया है। ओपी राजभर ने कहा है कि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, बीजेपी काम करती है। ये जिस PDA की आज बात कर रहे हैं उसे यहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव के ऊपर ठप्पा लगा है कि वो पिछड़ों का हक लूटते हैं। अखिलेश वोट तो मुसलमानों का लेते हैं और काम सिर्फ अपनी बिरादरी के लोगों का करते हैं। पीलीभीत में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने मुस्लिम युवतियों को एक खास सलाह दी है। दरअसल साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदू धर्म में ना तो हलाला है ना ही 3 तलाक, यहाँ 7 फेरों का बंधन है, 7 जन्मों का बंधन है। अगर किसी को हलाला और तलाक से डर है तो मोस्ट वेलकम। हिंदुओं से शादी करने के बाद बहुत अच्छे से मुस्लिम लड़कियां यहाँ रह रही हैं। कई लड़कियों से मेरी बातचीत होती है, वो कहती हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। संसद हमले के आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ स्थित घर में एक बार फिर से जांच की गई है। इस बार ATS की टीम ने सागर के कमरे को खंगाला है और मौके से कई किताबों को अपने कब्जे में लिया है। साथ ही जांच एजेंसियों ने सागर के माता पिता से भी पूछताछ की है। पुलिस को पहले ही सागर की एक सीक्रेट डायरी मिल चुकी है, जिसमें दर्ज जानकारी से सागर की जिंदगी से जुड़े कई राज खुल रहे हैं। सागर सहित कुल 6 लोगों ने 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ की वारदात को अंजाम दिया था। इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड ललित को सागर पिछले करीब 2 सालों से जानते थे और सोशल मीडिया पर अपनी हर पोस्ट में सागर ललित को टैग किया करते थे। नाबालिग से रेप के दोषी बीजेपी विधायक राम दुलार को 25 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही सोनभद्र के MP MLA कोर्ट ने राम दुलार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि इस केस में सोनभद्र की विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक
राम दुलार को एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को दोषी करार दिया था। अब सजा के ऐलान के बाद राम दुलार की विधायकी जाना तय है। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल वाराणसी के एक कोर्ट ने 1997 में एक व्यक्ति को धमकी देने से संबंधित मामले में मुख्तार अंसारी को 5.5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी जज के सामने गुहार लगाते हुए नजर आए। मुख्तार अंसारी ने कहा है कि माय लॉर्ड, इतना रहम कर दीजिए कि मेरी सभी सजाएं एक साथ चले। यूपी में अब इंसानों की तरह मछलियों के भी आधार कार्ड बन रहे हैं। दरअसल कानपुर में मंत्री संजय निषाद ने बताया कि अब लखनऊ में मछलियों से संबंधित रिसर्च सेंटर में इंसानों की तरह मछलियों के आधार संबंधित जानकारी के लिए खास व्यवस्था की गई है। इससे ये जानकारी आसानी से मिल जाएगी कि मछली किस नदी की है। पूरे देश में पहली बार ऐसी व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि मछली पालन को बढ़ावा देने और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, इसके लिए छोटी छोटी समितियाँ बनाई गई हैं। मिर्जापुर में एक पुलिसकर्मी ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर दाग लगाने का काम किया है। दरअसल मिर्जापुर के रमईपट्टी इलाके में एक पुलिसकर्मी नशे की हालत में सड़क पर लड़खड़ाता नजर आया। पुलिसकर्मी इस हद तक नशे में था कि वो सड़क पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने ये पूरा घटनाक्रम अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। IPL 2024 को लेकर IPL की सभी टीम्स अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को बड़ा झटका देते हुए उन्हें मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हटा दिया है। रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बनाया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटन्स से खरीदा था। हार्दिक की कप्तानी में गुजरात की टीम ने 2 IPL खेले हैं, जिसमें गुजरात एक बार IPL चैंपियन बनी थी जबकि दूसरी बार उप विजेता रही है। तो वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करें तो रोहित लंबे वक्त से मुंबई इंडियंस के कप्तान रहे हैं। मुंबई ने उनकी मौजूदगी में 5 बार IPL का खिताब जीता है। 3 मैचों की T20 सीरीज के ड्रॉ पर खत्म होने के बाद अब ODI क्रिकेट में टीम इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका की चुनौती है। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की गैर मौजूदगी में ODI क्रिकेट में टीम इंडिया की कप्तानी KL राहुल कर रहे हैं। जोहानिसबर्ग में होने वाले सीरीज में पहले ODI मैच में टीम इंडिया में शामिल युवा खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का मौका है, तो दूसरी तरफ ये सीरीज KL राहुल की कप्तानी का असली टेस्ट भी माना जा रहा है। टीम इंडिया को इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुल 3 ODI मैच खेलने हैं।